ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप कि सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़े कि हमारे फुल मार्क्स आ जाए। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि एनसीईआरटी ही एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आप लोगों को 35 out of 35 स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला। तो मतलब कहीं ना कहीं एनसीईआरटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और कुछ बच्चे इस टाइम ऐसे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी अभी तक नहीं पढ़ी है, तो घबराइएगा नहीं, सभी के लिए वीडियो रहने वाली है। मतलब जो बच्चे 50 से 100% की स्लैब के अंदर आते हैं उनके लिए भी ये वीडियो, और जिन्होंने अभी तक कुछ भी शुरू नहीं किया तो उनके लिए भी ये वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए आप अपना यूट्यूब चैनल, और साथ में टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलती है, नोट्स मिलते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। चलिए तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी कि एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़े। देखो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़े, लेकिन जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला कि जो आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है चाहे वो किसी सब्जेक्ट के लिए हो, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। मतलब अगर तुमने एनसीईआरटी कहीं ना कहीं छोड़ी है तो गलती करी है, ठीक है, बट अभी भी तुम सुधार कर सकते हो। कैसे तुम्हें पढ़ना है एनसीईआरटी को उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है, तो इतना टाइम नहीं है कि हम लाइन टू लाइन पढ़ने बैठ जाए। इसलिए एक बढ़िया सा तरीका, और मतलब वो तरीका नहीं है, मतलब वो एक सक्सेसफुल चीज है, उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखिएगा, आपसे सारे क्वेश्चन होंगे। सबसे पहली बात आती है कि आपको जब एनसीईआरटी पढ़नी है तो आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन नहीं पढ़ने की जरूरत है। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का कोई भी जो चैप्टर है जो आप उठा रहे हैं आपके किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो उसकी समरी पे चले जाइए। समरी को अच्छे से देखिए, हर एक पॉइंट को पढ़िए। मतलब ये नहीं है अगर समरी में 20 पॉइंट बनाए हुए हैं तो आप 15 ही पढ़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 20 के 20 पॉइंट आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि समरी उस पूरे चैप्टर का एक निचोड़ है। मतलब पूरा चैप्टर उन समरी के अंदर बताया, और आपको पता है टर्म फर्स्ट के जो एग्जाम है हमारे वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो इतनी मुश्किल नहीं होने वाली तुम्हें मतलब चैप्टर को कवर करने में। तो पहला काम हुआ आप लोगों का समरी। दूसरा काम आप लोगों को क्या करना है कि उस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उन सबको हाईलाइट कर लीजिए या लिख लीजिए, और शॉर्ट नोट की तरह वो आपकी मर्जी है। मैंने खुद आप लोगों को पीडीएफ दी है क्लास 12 फिजिक्स के लिए कॉन्सेप्ट बूस्टर के नाम से, जो कि एक रिवीजन नोट्स हैं और फॉर्मूलाज की फॉर्म में ही रिवीजन हो रही है वहाँ पे, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो दो काम हुए कि आपको समरी पढ़ लेनी है, दूसरा आपको एनसीईआरटी की बुक से ही फॉर्मूलाज को पढ़ लेना। तीसरी जो बात आती है वो आती है कि जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा मैं, सारे के सारे डायग्राम ही बोलूंगा, 7 चैप्टर हैं हमारे क्लास 12 फिजिक्स के अंदर, और सातों के सातों चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ने के बाद, मतलब समरी को पढ़ लिया, फॉर्मूलाज को पढ़ लिया, उसके बाद उनके डायग्राम को देखो, एक बार डायग्राम को एक एक बार बना के देख लो। सर टर्म फर्स्ट है, ऑब्जेक्टिव आना है, तो डायग्राम का क्या करना है भाई? डायग्राम से तुम्हें कई चीज़ों की क्लियरिटी होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और एमसीक्यू है तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये फिजिक्स है, हर बार इसका पेपर मुश्किल आया तो हम ये नहीं कह सकते कि आसान पेपर आएगा, ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल सकते, ठीक है। तो तीन चीज़ें हो गई आप लोगों के लिए। चौथी जो चीज़ आती है वो क्या है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपको क्या करना है, जो आपका चैप्टर है तो उसमें मान लो आपने समरी पढ़ी, फॉर्मूला नोट कर लिया, डायग्राम देख लिया, अब क्या करो, मेरे ख्याल से हर एक चैप्टर के आपके पास 10 से 11 सोल्ड एग्जाम्पल हो, तो सोल्ड एग्जाम्पल एक बार जरूर देख जाना, आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और एनसीईआरटी पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सारा एक निचोड़ है जो आपको एनसीईआरटी में पढ़ लेना है, ठीक है। और देखो मैं आपका जो टीचर हूँ और साथ में बड़ा भाई होने के नाते मतलब मेरी एक ड्यूटी बनती है कि तुम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए, और मतलब एक दिल से अंदर से आवाज़ आती है कि तुमने इतना सपोर्ट किया है अभी तक मुझे, जैसे कि हम अभी 51,000 प्लस सब्सक्राइबर पर हो गए हैं, तो मेरी भी एक ड्यूटी बनती है जो कि आप लोगों के प्रति हो, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप आप बोल सकते हो, और गोल्डन टिप्स आप लोग बोल सकते हैं एनसीईआरटी पढ़ने की। आप इसको किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स के लिए अप्लाई करो, आप इसको केमिस्ट्री बायोलॉजी इन सब के लिए कर सकते हैं जिसमें मतलब थ्योरी पार्ट हो, और मैथमेटिक्स में तो पता ही है फॉर्मूला पढ़ना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेना, ठीक है। चलिए तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, अगर शेयर कर दोगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ये यार बातें मैं बोलता रहता हूँ हर बार, तो कोई बात नहीं, आपका मन करे तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करना और बाकी सारे काम कर देना। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं जल्दी से हमारी नई वीडियो में।